और भाई आपके भाई ने फाइनली ले लिया अपने लिए बाइक, मस्त है। चल दूसरा गियर, चल चक दे फट्टे। गाइस सब बाइक देखो भाई, अपनी बीस्ट लग रही है भाई, बीस्ट। तो गाइस ये अपना यूपीएस की है, और साथ में गाइस हमने मंगवाया था अपने लिए, अपने रिमोट के लिए चार्जर। ये PS5 का सोनी का ओरिजिनल चार्जर है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, सभी को गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज संडे है, और भाई साहब कल अपना फाइनली यूपीएस आ चुका है, वो वहाँ पड़ा हुआ है। गाइस आप देख सकते हो कि मस्त अपना नीचे यूपीएस पड़ा हुआ है। और हाँ गाइस, ये हमें कल रात को करीब 10:30 बजे डिलीवरी हुई थी इसकी, क्योंकि डिलीवरी वाले भैया कह रहे थे कि यार कल बहुत सारे ऑर्डर्स थे हमें देने थे, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया देने में, क्योंकि यार त्योहारों का टाइम है तो बहुत सारे लोगों ने डिलीवरी मंगवा रखा था कुछ ना कुछ, तो बस डिलीवरी करने में उनको लेट हो गया। तो रात को 10:30 बजे आ गया था, और भाई साहब रात को मुझे इतनी खुजली हो रही थी ना कि मैं खोल के बस लगा दूँ, पर मैं कहा नहीं यार सुबह लगाएंगे, मस्त अपने व्यूअर्स को भी दिखाएंगे और आपको बताएंगे भी यूपीएस कनेक्ट कैसे करते हैं अपने PS5 के साथ। बाकी यार उतने दिन से मैं गेम नहीं खेल रहा था, क्योंकि यार यूपीएस की वजह से मैं सोच रहा था कि कहीं ख़राब ना हो जाए मेरा गेम, यार इसके वजह से मैं खेल बिल्कुल नहीं हाथ लगा रहा था। तो आज भाई गेम खेलेंगे भाई कितने दिनों के बाद, तो फटाफट से इसको निकालता हूँ, सेटअप करते हैं। और हमने दो तीन चीज़ें मंगाई है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मंगाया हमने। तो गाइस हमने जो कल बॉक्स मंगाया था वो इतना बड़ा बॉक्स है कुछ ये रहा। तो गाइस ये रहा अपना खजाने का पिटारा, अब इसमें से निकालते हैं, आपको बताते हैं कि हमने क्या क्या कल मंगाया। तो गाइस फाइनली हमारा एक चीज और आ चुका है, वो है रेड डेड रिडेम्पशन 2 की DVD। तो गाइस हमने ये DVD भी मंगा ली थी, और ये DVD हमारी आ चुकी है, तो अभी इसको भी हम लगाएंगे, और इसको भी हमने कल इंस्टॉल कर लिया था, अभी इसको प्ले करेंगे। और साथ में गाइस हमने मंगवाया था अपने लिए अपने रिमोट के लिए चार्जर, ये PS5 का सोनी का ओरिजिनल चार्जर है, ताकि हमारा चार्जर, क्योंकि यार चार्ज करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, हमारे पास रिमोट एक ही है, बाद में एक एक कंसोल हम और मंगवा लेंगे, फिलहाल हमने एक चार्जर मंगवा लिया था क्योंकि चार्ज करना बहुत जरूरी था। तो ये ओरिजिनल चार्जर है, ये करीब करीब हमें 2200 रुपये का पड़ा शायद, और हाँ DVD हमें पड़ी है 2100 रुपये की। अब बात करते हैं अपना मेन चीज़, जिसके लिए हमने मेन चीज़ हमने अपना गेम खेलना बंद कर दिया था, गेम नहीं खेल रहे थे, तो वो है अपना UPS। तो गाइस ये अपना UPS ये रहा, ये कल उन्होंने सील खोल के हमें चेक करवाया था कि टूटा फूटा तो नहीं है, तो ये उन्होंने कल खोल के हमको दिखाया था। तो ये गाइस अपना UPS है, जो कि है APC का, आप देख सकते हो ये 660 वोट का है, कहीं पे लिखा होगा 660 वोट, ये रहा ये 660 वोट का है गाइस। और ये अपने TV और PS5 के लिए ओके बिल्कुल काम चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इसको निकालते हैं फटाफट से, और इसको लगाते हैं अपने PS5 में। गाइस ये रहा अपना UPS, अब इसको लगाते हैं फटाफट से, इसको पहले साइड करते हैं डब्बों को। ये कुछ इसका मैनुअल गाइड है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इस फटाफट से इसका सील खोलते हैं पहले। और गाइज अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रही हो तो प्लीज इग्नोर करना, क्योंकि हमारे यहाँ पर घर के पास में घर का काम चल रहा है, वहां पर नया लेंटर डल रहा है। तो गाइज ये रहा अपना UPS, 660 वोट का ACP का, मंगवा तो लिया था, अब देखते हैं कि ये वर्क कैसा करता है। और हाँ गाइस, पहले हमारा PS5 इसके ऊपर हमने रखा हुआ था, इसके ऊपर अच्छे से बढ़िया स्टोर करके रखा हुआ था, पर हमने अपने PS5 अब यहाँ रख दिया है इस टेबल पे, क्योंकि जो हमारा UPS है वो हम वहाँ साइड में रखेंगे, और ताकि सेफ रहे अच्छे से। और यहाँ पर मस्त अपना PS5 पड़ा हुआ है, टेबल हमारा पहले से पड़ा हुआ था, तो हमने सोचा क्यों ना इसको यूज़ कर ले अच्छे से, तो इसलिए हमने फिर यहाँ पर रख दिया, और साइड में हम अपना रख देंगे PS5, और एक साइड पड़ा रहेगा अपना UPS, तो मस्त पड़ा रहेगा भाई। और इसके स्टोरेज के अंदर अपना सामान आ जाएगा, डिस्क उसका आ जाएंगे, ये चीनी पड़ा इसको इग्नोर करना, बाकी यहाँ पर अपना सामान आ जाएगा, वहाँ कुछ सामान पड़े हुए हैं अपने DVD यहाँ सब पड़ी हुई है मस्त, तो ये मच बेटर है यहाँ से, यहाँ हमने रख दिया।
तो गाइज ये आप बताना कि सही लगा कि नहीं लगा आपको। तो फटाफट से पहले इसको इंस्टॉल करते हैं, जल्दी जल्दी से आपको दिखाते हैं इंस्टॉल करके। Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. तो गाइस सिंपली आपको अपना जो UPS का है उसको मेन में लगा देना कुछ इस तरीके से, और अपना जो PS5 का है उसका आपको लगा देना UPS में, ताकि गाइस जो भी झटका अगर पड़ेगा लाइट जाएगी तो ये सीधा झटका आपके UPS पे पड़ेगा, ना कि आपके गेम पे, तो आपके गेम को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका गेम बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ चलेगा। तो बस गाइस UPS इसलिए होता है ताकि आप अपने गेम को शट डाउन कर सको, ताकि आपका जो डाटा है वो ख़राब ना हो, आपके जो बड़े बड़े फाइल्स है जो आपने इतनी देर से मेहनत करी है वो ख़राब ना हो। तो गाइस UPS इसलिए मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो UPS आप जरूर परचेस करना अगर आपके पास कंप्यूटर PC या कुछ भी आप यूज़ करते हो ऐसा चीज़ जो महंगी है और आपका डाटा इंपॉर्टेंट डाटा होता है उसमें, तो उसको आप UPS जरूर परचेस करना। तो अभी मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, तो अब इसको फटाफट चालू करके देखते हैं। तो गाइस इसको पहले मैं मोड़ देता हूँ ये इस तरीके से, और ये हम कर देते हैं इसको PS5 को अपने सीधा। और गाइस ये जो इसकी पन्नी सी है ना, ये पन्नी उतारते हैं, ये उतारने का अपना अलग ही मजा है। वैसे यार ना ही उतारे तो ठीक है ना। चलो ध्यान दो इसको यार। और गाइस अभी इसको पावर ऑन करते हैं यहाँ से, ये हमने कर दिया ऑन, और अपना UPS अभी लग गया चार्जिंग पे, और इसको कर देते हैं ऑन। तो गाइस फाइनली ये ऑन हो चुका है UPS अपना, और अभी चार्ज भी, और आप देख सकते हो अभी चार्ज शायद नहीं है ये, तो इसको थोड़ा चार्ज होने देते हैं। और बाकी गाइस जो अपना TV है वो ऑलरेडी इन्वर्टर पे कनेक्ट है अपना TV, तो हमने TV का जो प्लग है वो हमने UPS में नहीं कनेक्ट किया, हमने TV को इन्वर्टर पे छोड़ दिया, हमने सिर्फ अपने गेम को प्लग इन कर दिया है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, टीवी तो पहले यार इन्वर्टर पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लाइट चली भी गई तो इस पर हल्का फुल्का झटका लग जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है गाइस। पर PS5 में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मेरे को एक बार दो बार ऐसा हो गया और वार्निंग आ चुकी है, तो मुझे डर था कि यार कहीं इसका ग्राफिक्स कार्ड या मदरबोर्ड ना ख़राब हो जाए, तो इसलिए मैंने UPS मंगा लिया अपनी सेफ्टी के लिए गाइस। तो 5-6 हज़ार रुपये अगर आप खर्च कर रहे हो तो कोई ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा ये। तो गाइस ये UPS मुझे 6500 रुपये का पड़ा है, जो कि ज़्यादा महंगा भी नहीं है और ठीक ठाक है, आपका UPS आपका काम चला देगा, तो आप ये जरूर परचेस कर लेना। बाकी इसका मैं रिव्यू आपको बताऊंगा, कुछ टाइम यूज़ करूंगा फिर बताऊंगा कैसा है कैसा नहीं है। बाकी गाइस जब तक हम अपना इस जो चार्जर मंगाया था इसका भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं चार्जर कैसा है, तो इसको फटाफट से अनबॉक्सिंग कर देते हैं। ये मैंने सोनी का ओरिजिनल चार्जर मंगाया है PS5 का, ये मेरे को यार 2200 रुपये का पड़ा यार चार्जर। इसमें आप डुअल जो रिमोट है दोनों चार्ज कर सकते हो, तो फटाफट से इसको भी खोल के देखते हैं कि कैसा है ये चार्जर। तो गाइस ये रहा अपना प्लेस्टेशन का जो चार्जर का रिमोट है वो ये रहा, तो इसको फटाफट से खोलते हैं। तो गाइस मजा आने वाला है, मजा 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 मजा। अबे निकलना क्या कर रहा है बीच में यार। तो गाइस ये रहा अपना, एक और है यार, इसमें क्या है लूट लिया, इसमें कुछ नहीं है गाइस, अपना जो मेन खजाना वो इसके अंदर है। तो गाइस ये खोलते हैं खजाने को, झुंझुनी उठ गई। तो गाइस ये रहा अपना चार्जर जो मेन चार्जर है, कहाँ है यार। तो गाइस ये रहा अपना मस्त कवर में रैप है, ये रहा चार्जर सोनी का ओरिजिनल चार्जर, ये देख सकते हो ये अपने PS5 की तरह लग रहा है बिल्कुल, ये जो कनेक्शन बनाया हुआ है ये देखो लग रहा है ना सेम टू सेम, सेम है गाइस, क्योंकि ओरिजिनल चार्जर है ये। और इसके साथ हमको मिला है ये अडेप्टर, तो गाइस ये अडेप्टर हमको मिला है, और ये अच्छा ये केबल है, इसमें तो है ही नहीं कुछ। हाँ अच्छा अच्छा गाइस ये केबल हमको इसमें कनेक्ट करना है ऐसे यू, और इसको हमें लगाना है इसमें, पर कहाँ लगाना है, अच्छा ये रहा ऐसे नीचे लगाना है इसको, वाह यार ये लग गया। और बस इसको ऐसे रख देना है, अब अपना रिमोट इसके ऊपर रखते हैं। तो गाइस पहले अपना रिमोट निकालते हैं फिर इस पर रख के देखते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा PS5 का ओरिजिनल रिमोट, और ये गाइस ये देख रहे हो पिन, ये नीचे पिन, ये पिन्स, और इसमें भी नीचे पिन है, ये देखो पिन है, इसको सिंपली बस यूँ रख देना है, ये कनेक्ट हो गया। बस ये है कि आपको सही से रखना पड़ेगा, ये मैग्नेटिक है, अब ये कनेक्ट हो चुका है, अब ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो पहले इसको फटाफट से लगाते हैं चार्ज में। वो जो ये अंश है वो गेम खेलने के लिए काबला हो रहा है, बोल रहा मम्मा गेम। हां बेटा रुक जा तेरे को दे रहा हूं मम्मा गेम। अब गाइस इसको हम इस पे रखना है बस सिंपली, और ये हमने रख दिया
ये गाइस अपनी चार्जिंग होनी स्टार्ट होगी, मैं आपको पहले PS5 चालू करके दिखाता हूँ। ये किस तरीके से अंश अपने पापा को डांट लगा रहा है कि डोंट टच मॉम। दे रहा हूँ बेटा, तो पहले गाइस हम अपना PS5 चालू कर लेते फटाफट से। तो गाइस अपना PS5 चालू हो चुका है, पहले इसको ओपन कर देते हैं। तो गाइस मैं आपको भी दिखाता हूँ अभी, ये देखो गाइस वो आप देख सकते हो चार्ज भी नहीं हो रहा। आप देखो सिंपली हमने बस अपने चार्जर को यहाँ रखना है, बस इसके ऊपर ये मैग्नेटिक है, वो देखो गाइस चार्जिंग स्टार्ट हो गई। तो फाइनली गाइस हमने अपना सेटअप पूरा बढ़िया से कंप्लीट कर दिया। आप देख सकते हो हमने वहां पर यूपीएस रख दिया, बीच में PS5 है और साथ में हमारा चार्जिंग डॉक है। और गाइस ये रहा अपना स्क्रीन टीवी मस्त, अपना भाई साहब रेड डेड रिडेम्पशन 2 की DVD भी अपनी आ चुकी थी वो ये रही, और मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया अपने PS5 में, और गेम ये रहा। तो अभी गेम प्ले वीडियो भी आने वाली है इसकी बढ़िया से बढ़िया, तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना जल्दी जल्दी से गाइस, बहुत मस्त मस्त वीडियो आने वाली है। इसकी पूरी सीरीज बनाएंगे और इसकी सीरीज बहुत ज़्यादा बड़ी है गाइस, तो ये काफ़ी टाइम लग गया मेरे ख्याल से, इसके 80 एपिसोड्स है शायद, अब 80 इसके जो बड़े बड़े मिशन है मेन मिशन से इसके 80 मिशन है, तो वो हमें पूरा करेंगे, हम बहुत मजा आने वाला है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, 800 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइब दो गाइस। गाइस यहाँ पर अंश मस्त नहा धोकर भी रेडी हो चुका है, ये देखो। और ये रही सोनी, सोनी तेरे लिए कमेंट आया था क्या था, सोनी बिपाशा, सोनी भाभी बिपाशा बासु जैसी लगती है, देखिए शक्ल इधर अपनी। तो गाइस ये इसकी शक्ल देखियो जरा, एक मिनट दिखा, ये देखियो इसको देख के लगता है बिपाशा बासु, देखियो दिखाइयो दिखाइयो शक्ल बिपाशा बासु, और बिपाशा बासु दिखाइयो। तो गाइस ये बिपाशा बासु जैसी लगती है कि नहीं लगती, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ गाइस ये जो भी सेटअप जो मैं बना रहा हूँ, ये जितने भी PS5 मैंने अपनी TV परचेस किया है, ये UPS परचेस किया है, जितनी भी DVDs ले रहा हूँ, जितने भी कुछ मैं परचेस कर रहा हूँ, तो गाइस ये बस आप लोग के प्यार और सपोर्ट के वजह से ही कर रहा हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो शायद मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँ। तो आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखो यार, आपका भाई इससे भी बड़ा सेटअप बनाएगा धीरे धीरे करके, हम बहुत बड़ा सेटअप बनाएंगे अपना और बढ़िया गेमिंग करेंगे गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कोई नॉर्मल सेटअप नहीं, बहुत मस्त अपना ड्रीम सेटअप बनाऊंगा मैं, और बस आप लोग सपोर्ट करते रहो यार, क्योंकि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, आप लोग इतनी अच्छे कमेंट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो यार लाइक करते हो ना तो थोड़ी सी हिम्मत ज़्यादा जाती है, तो फिर मैं थोड़ी सी हिम्मत मार के कर लेता हूँ यार, बस कर लेता हूँ। ये देख लो इस बदमाश को, अंश क्या करना चाहते हो अपने व्यूवर्स को, बोलो आई लव यू, आई लव यू बोल दो सबको, ये नहीं बोलेगा बदमाश एक नंबर का ना इसलिए। तो गाइस अभी मस्त मैं नहा धोके रेडी हो चुका था, और मैं अभी अपने लिए एक बाइक भी देखने जा रहा हूँ गाइस। तो यार पता नहीं यार सब कुछ यार इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ यार। तो अभी हम जाएंगे अपने लिए एक बाइक देखने, और मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी जाएगा मोहसिन, तो अभी मैंने उसको कॉल किया तो वो भी आ रहा है, और मैं भी नहा धोके मस्त रेडी हो चुका हूँ, तो अभी फटाफट से निकलते हैं, फिर देखते हैं कौन सा बाइक लेके आना है, तो आपको भी दिखाते हैं कौन सा बाइक लेके आएंगे। तो अभी चलते हैं, फिलहाल देख के आते हैं, उसके बाद फिर डिसीजन बनाएंगे, फिर देखते हैं उसका कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, वो बाद में डिसाइड करेंगे। तो पहले फटाफट से हम चलते हैं। तो गाइस अभी मैं भैया के घर पे आया था, और यहाँ देखो श्रुति को बेचारी को माता निकला हुआ है, और यहाँ पर हर्षिता मस्त बैठी हुई है। तो गाइस अभी हम बाइक के शोरूम में गए थे, और अभी मैंने TVS देखा है, हीरो के यहाँ गया था, होंडा के यहाँ भी गया था, पर गाइस मैंने अभी स्प्लेंडर मैंने पहले यूज किया हुआ, तो मैंने सोचा कि स्प्लेंडर नहीं लेते यार, थोड़ा सा कुछ हटके लेते, थोड़ा स्पोर्टी लुक में और ज्यादा महंगा भी ना हो। तो अभी मैं TVS का राइडर देख के आया हूँ, तो अभी मैं और भैया जा रहे हैं उसको लेके आएंगे गाइस, क्योंकि अपना ना यार वो काम नहीं है कि देख लिया उसे एक महीने तक उसके ऊपर वीडियो बनाते रहे, 50 वीडियो बनाते फिर जाके लेके आए, अभी जाएंगे और अभी लेके आएंगे, अभी निकले अभी पसंद किया और अभी उठा के ले आएंगे भाई। तो मैं और भैया जा रहे लेने के लिए, वो तैयार हो रहा है वहाँ पे, और अभी जाते हैं फटाफट से लेके आते हैं, आपको राइडर दिखाते हैं राइडर कैसी होने वाली है। On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Guys, so bike, dekho bhai, apni beast lag rahi hai bhai, beast.
तो गाइज ये फाइनली हम आ चुके हैं बाइक को लेके मंदिर में, और मंदिर में अभी पूजा करवाएंगे बाइक की पूरी, क्योंकि पूजा पहले जरूरी है मम्मी मेरी। ओम हरि ओम ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रस्वाहा स्वस्ति न पूषा पशुभिः स्वस्ति न भारतो अश्वमेधः नमः वो साचे वारि ओम श्री कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने तो गाइस ये रही अपनी यार राइडर मस्त भाई बीस्ट है भाई बीस्ट देख सकते हो ये ब्लैक पंथर एडिशन मैंने लिया और भाई साहब पूरी ओके लगती है भाई साहब अपनी बाइक पूरी बीस्ट लगती है भाई फ्रंट से देखो यार ऑसम गाइस ऑसम पूरी कूल लगती है भाई साहब पिकअप इसकी जबरदस्त है और भाई आपके भाई ने फाइनली ले ली अपने लिए बाइक मस्त है भाई साहब चलाने में बहुत मस्त है और इसमें मॉडिफिकेशन वीडियो भी बहुत सारी आने वाली है आपके लिए और गाइस पूरी चलती बीस्ट है ये बीस्ट ये देख सकते हो ब्लैक पंथर एडिशन हमने खरीदा है अपने ब्लैक पंथर के लिए और गाइस पूरी दमदार चलती है इसका थ्रॉटल सुना था आपको यार थ्रॉटल ऑसम है भाई तो गाइस सुन रहे हो इसका थ्रॉटल ऑसम है भाई ऑसम अभी चलाते हैं इसको फिर देखते हैं कैसा लगता है चलाने में और गाइस को सुनते कर बहुत मजा आने वाला है तो भाई चलाते हैं इसको राइड इसकी देते मंदिर मंदिर से मथा टिकवा के आगे और जो सबसे जरूरी काम था हमने ये जो इसका सुरक्षा कवच वो हमने लगवा लिया है ये सबसे इंपॉर्टेंट था हमारे लिए मंदिर में मथा टिकवा दिया इसका पूजा करवा दिया है तो अब इसको बढ़िया चला सकते हैं हम और उसको भी चलाते हैं जबरदस्त मजा आने वाला है आपको बहुत ज़्यादा इस पे यार मजा आएगा गाइस पिकअप बहुत जबरदस्त है गाइस बहुत जबरदस्त है बहुत ज्यादा बढ़िया पिकअप है इसका इसका पिकअप तो कसम से जबरदस्त है अब शुभम चलाएगा इसको कह रहा शुभम चला के देखता है तो फटाफट इसको देखते हैं इसको चलाने देते चला मोटरसाइकिल भगा चल दूसरा गियर चल चक दे फट्टे गाइस कैर है गाइस कैर भगा भगा मोटरसाइकिल भगा वो और भगा उसको कैसी सुनी बाइक अच्छी है हाँ जी कैसा है बाइक कैसा है बाइक इधर चाबी देख के पकड़ा हुआ छोड़ ही नहीं रहा हल्चू कैसी है बाइक अच्छी होगी तो गाइस कसम से यार बाइक पूरी मस्त है पिकअप वकअप तो जबरदस्त है भाई साहब पूरी एक बार टोटल दो पूरी उड़ के जाती है भाई तो बस गाइस आज के लिए इतने रखते हैं भाई साहब इसका अभी बहुत तगड़े तगड़े मॉडिफिकेशन वीडियो आने वाले तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बाय लव यू और भाई साहब सब्सक्राइब जरूर करना बाय।